तो मांग लीक, ऊपर से कुंडली में दोष, ये भैंस ही बचाएगी इसका जीवन संकट। केशवा ने अक्षय कुमार और जया ने भूमि पर डैन कर कि पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात प्यार में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ तो टॉयलेट ही नहीं है। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझता है, किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गांव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है, जहां अभी भी तकियानुषी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को दो भागों में बांटा है। इंट्रोल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया गया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर है, टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भौंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफर मजेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेट कर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वे ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमजोर नजर आया, कुछ जगह शॉट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमजोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने ही किया है, इसलिए वे अपने दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जैसे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लठमार होली को दो भी बार दिखाना अखरता है।